For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. कलर्स टीवी के मोस्ट कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस से जुड़ी एक और नई खबर लेकर हम हाजिर हो गए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अब बिग बॉस के घर में होने वाला है नॉमिनेशन टास्क, और इस बार जो भी सदस्य नॉमिनेशन से बच जाएगा उसके बाद वो सीधा सीधा पहुंच जाएगा फिनाले में। जिसके साथ ही आपको हम ये बता देते हैं कि अब आ गई है नई अपडेट जिसमें आप सबको पता चल जाएगा कि होने जा रहे हैं केवी नॉमिनेट। जी हाँ, सुनकर आप चौंक रहे होंगे, लेकिन आपको बता दें कि कुछ खबरों का यही कहना है। जहां आपने शो के प्रीकैप में भी देखा होगा कि कैसे दीपक जब रोमिल से बात कर रहे हैं तो वो सीधा सीधा रोमिल को ये कह देते हैं कि वो जल्द से जल्द केवी के फोटोग्राफ को जला देंगे, और इससे ये साफ दिख रहा है कि दीपक गेम खेल रहे हैं और वो दे रहे हैं अपने सबसे अच्छे दोस्त यानी कि केवी को धोखा। जिसके साथ ही आपको हम ये भी जानकारी दे दें कि ये सब जानकर केवी भी बौखला जाएंगे, क्योंकि घर के अंदर केवी के सबसे अच्छे दोस्त दीपक ही माने जाते हैं। तो ऐसे में अब ये देखना और भी ज़्यादा मज़ेदार तब हो जाएगा जब केवी को ये पता चलेगा कि वो और किसी की वजह से नहीं बल्कि दीपक की वजह से नॉमिनेट हुए हैं। फिलहाल कुमार शोरूम बस इतना ही। बिग बॉस से जुड़ी और नॉमिनेशन प्रक्रिया से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स को जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल टॉप न्यूज जस्ट फॉर यू। टॉप न्यूज से काजल की रिपोर्ट। For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News.